गुजरात में ले जाके हमके 3 दिन रखा। 3 दिन रखने के बाद 21 तारीख के वहाँ से फिरार हो गया। तलाक दिया है आपको? बताया क्या? तलाक दे दिए शादी कर रहे तो? नहीं नहीं, शादी तलाक नहीं दिया है? नहीं, तलाक चला नहीं ना दिया। प्यार करने क्या नतीजा होता है? पता चला ना? इस पे विश्वास था? अब विश्वास नहीं है, पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं बगानी 24 बिहार। मैं शरण कुमार यादव आपको बता दे कि 5 वर्ष पहले एक लड़के से प्यार करती थी, जो कि संबंध में उनको शादी का झांसा दे के शादी भी किया और उनको छोड़कर चला गया। चले उन्हीं से हम पूछते हैं कि क्या कैसे क्या हुआ है। क्या भैल बरबा संग है? सर ये भैल बा हमारे संग है अजीमुर रहमान रायबरी महुआवा, उनका बाप की नाम फिरोज अहमद, उनका दादा के नाम अली अहमद। काम हमसे बात करते पहले पहले बात कह के हमसे शादी भी कलाकुल गांव में हैदराबाद में लिया कर लेलन। शादी कैला के बाद में वहाँ से उनका घर पे आई नहीं जान, उनका घर पे उनकर माई उनकर आबा उबा हमारे मने बोले लग बोलो ना रख बोलो, तो लेके हमारे के चल गए पानी पर डेली में। वहाँ डेली में हम जब रहे लगनी तब इनकर नानी की तबीयत खराब, झूठा साबित करके उनका को बोलो लो, बुला के सगाई कर दे बोलो उनका फूफी फूफा के बेटी से। वो लड़की के बाप के नाम है सोहराब अहमद और उसका घर है पुरैनिया बहास, वहाँ पर उसका शादी लग गया है। बोल रहा है कि हम तुमको नहीं रखेंगे, हम तुमको छोड़ देंगे। तो हम बोला कि जाके हम देंगे दरख्वास्त, बोलेंगे थाना में। तो थाना में हम गए वहाँ पर पानीपत में, वहाँ भी वीडियो बना सब कुछ बोला। तो वहाँ से उसका भाई गया गोपाल से, वो भी छोड़वा के लाया, कहे कि चलो घर पर रहेंगे मम्मी पापा के संग में, रीति रिवाज से शादी होगा। वहाँ से भी हमके दिल में तिलासा दे के लिया आया नया दिल्ली में हम रह रही हैं। वहाँ पर एक दिन रहे तो बोला कि कहाँ जाएंगे, तो हम कहीं इसी के साथ रहेंगे, इसी के साथ मरेंगे। तो वो कह रहा है कि चलो हम गुजरात चलेंगे। गुजरात में ले जाके हमके 3 दिन रखा। 3 दिन रखने के बाद 21 तारीख के वहाँ से फिरार हो गया, भाग गया। तलाक दिया है आपको? बताया क्या? तलाक दे दिए शादी कर रहे तो? नहीं नहीं, शादी तलाक नहीं दिया है? नहीं, तलाक नहीं दिया है। थाना में आवेदन दिए हैं आप? हाँ, आवेदन दिया हूँ, केस भी किया हूँ। अच्छा, कितना साल से प्यार कर रहे थे आप? लगभग 5-6 साल हो गया है, शादी 5 साल हो गया है। अब पहले वाले पति को क्यों छोड़ दिए? पहले वाला पति के भी 4 शादी हुआ है, उसका बच्चे उच्चे और पत्नी है उसका, तो भी नहीं हमको रखता है अच्छा से। हमारा भी माँ बाप नहीं है, हमारा भी भाई नहीं है, हम दुनिया में अनाथ है, 2 बहन है। तो हमारा चाचा लिया के धोखा से शादी कर दिया, हम उसी के साथ रह रही हैं। तो भी हमारा उसके कमा खिला रही, तो बहुत मारता पीटता था, नहीं रखता था अच्छा से। तो ये आया हमारा ज़िंदगी में, तो हमसे सब कुछ से मैंने अच्छा से सुरक्षित रख रहा है, तो इसी से हमारा दिल मिल गया और उसका हमारा से दिल मिल गया, तो कर लिया हम शादी। अब पता चला ना प्यार करने क्या नतीजा होता है? नतीजा पता चला ना? इस पे विश्वास था? अब विश्वास नहीं है, पहले विश्वास है तभी तो कर लिया हूँ। तो जो चाचा आपका शादी कराए थे उस पे विश्वास नहीं था आपको, इस पे विश्वास था आपको? हाँ, इसी पे विश्वास था, बहुत यकीन था। कैसे 5 साल पहले कैसे मतलब बातचीत होता था, कैसे संपर्क हुआ उससे? संपर्क हुआ, एक रानी नाम की लड़की थी, उसी से बात करती थी। हमारे चाचा की बेटी भी उस सीतापुर के है, उसी से बात करती करता था। तो हमारा बहन हमारा नंबर दे दिया उसका, हमारा नंबर उसका दे दिया। हम बोले कि हमारा नंबर मत दो कोई के, नंबर दे दिया, ये हमसे बात करने लगा। बात करते करते इतना आगे बढ़ गया हम भी और वो भी। तो चाचा सब ना राय विचार नहीं किए जब शादी दूसरा शादी किए तो? नहीं, राय विचार किए नहीं। हमारा चाचा भी आज भी नहीं पूछता है, कल भी नहीं पूछता था। हमारा भी शादी कर दिया तभी नहीं हमारा घर पे आता था, नहीं बुलाता था। हम नहीं अपने मन से कभी कभी जाती थी वहाँ पर। कोई नहीं था आपका? कोई नहीं, हमारा दुनिया में कोई नहीं है, एक लड़का है, एक हम है। क्या नाम है लड़के, क्या नाम है जो शादी कर रहा है दूसरा आपको छोड़ के? अजीमू रहमान, मुन्नू से बुलाता है उसके घर वाला। अभी बात होता है उसके? नहीं, बात नहीं हुआ है अभी, 21 तारीख से नहीं हुआ है बात। संपर्क बनाने की कोशिश की है आप उससे, बात विचार करने की कोशिश की है? हाँ, बहुत कोशिश किया हूँ। आप देख सकते हैं प्यार का नतीजा यही है।
हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा।